हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। पिछले 10 दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल रहा होगा, जिसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपको बता दूं, यहां पर सिस्टर की शादी थी तो मैं उसी में व्यस्त था। अब से यानी कल से आपको डेली एक वीडियो देखने को मिलेगा। आइए, आज के इस वीडियो में हम आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट बताने जा रहे हैं। सबसे पहला अपडेट PFMS को लेकर है और दूसरा अपडेट यहाँ पर किसान भाइयों एवं बहनों को लेकर है। तो पहले अपडेट की बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं PFMS में अब आप अगर किसी भी सरकारी पैसा आपके खाते में आता है और वहाँ पर आप चेक करते हैं तो OTP आपसे मांगा जाता है। लेकिन आपको मैं एक ऐसा साइट बताऊँगा जिसके माध्यम से आप बिना OTP के जरिए ही आप अपना पैसा चेक कर सकते हो। चाहे वृद्धा पेंशन आता हो, चाहे सरकारी कोई पैसा आता हो, छात्रवृत्ति आता हो, जो भी पैसा DBT के माध्यम से आता है यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आता है, वो पैसा आप वहां पर देख सकते हो कि आपके खाते में कितना क्रेडिट किया गया। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और जो दूसरा अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है किसान भाइयों एवं बहनों के लिए, आपको बता दें यहां पर अभी धान का सीजन है, धान कुछ ही महीनों बाद काटा जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे हमारे किसान भाई किसान बहन क्या करते हैं कि धान की जो पराली होती है जिसको हम पुआल भी कहते हैं, उसको खेतों में ही जला देते हैं। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। आपको बता दें, यदि आप पराली जलाते हैं तो जो खेत का जो क्षमता है, जो आपकी ज़मीन की क्षमता है उपज करने का, उसको आप नष्ट करते हो। और ऐसा करना अब यहाँ पर गैरकानूनी बताया गया है। बताया गया है कि यदि ऐसा करते हुए कोई भी किसान पकड़ा जाता है, यानी खेतों में पराली जलाते हुए कोई भी किसान पकड़ा जाता है, तो उसका पंजीयन को यहाँ पर अब रद्द कर दिया जाएगा। और किसी भी तरह का जो सरकारी सहायता है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे किसान का डीजल अनुदान हो, या फिर किसान के सम्मान निधि हो जिसमें 6,000 रुपया साल का मिलता है, वो सब योजनाएँ बंद कर दिया जाएगा और वो उस किसान को किसी भी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप इस बात का खास ख्याल रखें, खेतों में पराली को ना जलाएं। आइए हम आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और वहाँ पर बताते हैं PFMS से आप कैसे पैसे चेक कर सकते हैं। नीचे आप कमेंट करें और हमसे जो भी वीडियो बनवाना चाहते हैं अब आप बनवा सकते हैं। अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, @wahsimple आप लिखेंगे, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ से उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ये उमंग एप्लीकेशन है, हमने इसे इंस्टॉल कर रखा है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप ओपन करेंगे। चलिए हम ओपन कर देते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके, OTP डाल करके आप लॉगिन हो जाएं। हमने यहाँ से ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो चलिए इसको हम डू आई लेटर पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको होम बटन के ठीक बगल में एल सर्विसेज देखने को मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। अब ऊपर सर्च बार में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे PFMS। देखिए PFMS DBT ये आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे फेवरेट में कर सकते हैं, रेड वाले दिल पे क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो पेज ओपन हो रहा है सो हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पर पेज ओपन होने का हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। नेटवर्क का इशू है और अगर नेटवर्क का इशू रहता है तो आपको वेट करना ही पड़ता है। चलिए ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर ट्रैक योर NSP पेमेंट, NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उसका आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। और नो योर पेमेंट स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे, सी इन्फो, ठीक है। यहाँ पर आप रेटिंग दे सकते हैं। विजिट सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिया गया है। अकाउंट नंबर यहाँ पर आप जो सा भी दिए हैं वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद बैंक का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सेंट्रल बैंक है तो सेंट्रल बैंक हमने लिखा, यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ गया। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम अकाउंट नंबर टाइप कर देंगे। चलिए हम अकाउंट नंबर टाइप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो नेम है वो देखने को मिल गया, वेलकम MR सोनम प्रवीण। और यहाँ पर आपको जो पेमेंट आया है वो आपको देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पर JH फॉर लोकल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत
महाराजपुर, यहाँ पर जो पैसा आया है वो बताया गया है यहाँ पर कोरोना सहायता का जो मिला था, और यहाँ पर DBT एजुकेशन जो कि साइकिल का पैसा है वो अभी यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग बैंक में चल रहा है, ठीक है, मुख्यमंत्री बालिका बालक साइकिल योजना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बड़े ही आसानी के साथ अपना स्टेटस देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं NSP का पेमेंट देखना तो ट्रैक योर NSP पेमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे, विजिट करेंगे, NSP का जो एप्लीकेशन ID है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे, देन सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपको शो कर देगा। आई होप, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना है। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और नए फ्रेश टॉपिक, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।